नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 14 मई को 15 प्रत्याशियों द्वारा किया गया नामांकन पत्र दाखिल। शांतिपूर्ण व सुरक्षित वातावरण में संचालित हुए नामांकन कार्य। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु लोकतंत्र के महापर्व में 71 सलेमपुर और 72 बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र लेने और दाखिल करने का कार्य शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हुआ। आज 8वें दिन बलिया लोकसभा क्षेत्र से 9 और सलेमपुर से 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बलिया लोकसभा क्षेत्र के लिए आजाद समाज पार्टी से सूर्य बलि प्रसाद, नेशनलिस्ट जनशक्ति पार्टी से प्रीतम देव राजभर, स्वतंत्र दल से मणिंद्र प्रकाश कुमार, सुमेश्वर रंजना, चंद्रभान शेषनाथ एवं नवीन कुमार राय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र कुमार और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए जनता क्रांति पार्टी से जय बहादुर चौहान, बहुजन मुक्ति पार्टी से श्री कृष्ण, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी से सूर्य प्रकाश, समझदार पार्टी से अवधेश सिंह, जनता समता पार्टी से कालिका तिवारी एवं सुनील कुमार, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रिटर्निंग ऑफिसर ओजस्वी राज के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नाम निर्देशकों की जांच 15 मई तक पूर्ण की जाएगी। प्रत्याशी अपने नाम की वापसी 17 मई को कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बलिया आजकल।